हाय एवरीवन, वेलकम टू ए फॉर ऑटिज्म। आज का जो वीडियो है वो बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछा था कि विराज के क्या लाइफ अपडेट्स हैं, क्या सीख गया है, अभी क्या डाइट ले रहा है, कौन से सप्लीमेंट्स लेता है। तरह तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस थे, कौन से माइलस्टोन्स अचीव कर लिए हैं, हम क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं, एंड ये जो 3 साल की पूरी जर्नी है इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। मैंने सोचा ये एक वीडियो के थ्रू जो है आपको पूरा एक्सप्लेन करूँ, पूरा बताऊँ। ऑल दो सारी ही चीज़ें विराज की, सब कुछ इस पे डॉक्यूमेंटेड है, इस चैनल पे सारे वीडियोस हैं, कैसे काम किया है सब कुछ है, बट ये एक छोटा सा वीडियो उसकी अकम्पलिशमेंट्स बताने के। फ्यूचर में जब वो ये वीडियो देखे तो वो अपनी अकम्पलिशमेंट्स देखे कि उसने इतने कम टाइम फ्रेम में इतना अच्छा एफर्ट डाला है। तो पेरेंट्स तो एफर्ट डालते ही हैं, बट बच्चे भी एफर्ट डालते हैं। वो एफर्ट हमें नज़र नहीं आता, बट एक्चुअली बच्चों के एंड से भी बहुत एफर्ट लगती है, शायद हमसे ज़्यादा एफर्ट लगता है। सो आज हम बात करने वाले हैं विराज की सक्सेस स्टोरी के बारे में। सो सक्सेस मेरे हिसाब से ये नहीं है कि एक बच्चे को अगर ऑटिज़म था या ऑटिज़म है, क्योंकि ऑटिज़म था तो कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑटिज़म एक लिविंग कंडीशन है। तो मेरे हिसाब से सक्सेस वो है कि बच्चे के जो चैलेंजेस थे जो उसने ओवरकम कर लिए, एंड आज बच्चा उससे कोप अप करके सोशली फंक्शनल है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने आप इंडिपेंडेंटली कर सकता है। तो मेरे लिए सक्सेस ये कहलाती है। सो बहुत सारे लोगों के लिए सक्सेस स्टोरी का मतलब होता है कि बच्चा बोलने लग गया, बच्चा टिपिकल किड्स की तरह हो गया। तो मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन वो नहीं है। मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन है कि मेरा बच्चा बहुत सारे चैलेंजेस से जो गुजर रहा था, आज की डेट में उसके वो चैलेंजेस ओवरकम हो गए हैं, और जो अभी करंट चैलेंजेस हैं जब हम उनकी तरफ एफर्ट डालते हैं तो हमें रिजल्ट्स जो हैं जल्दी मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से सक्सेस इसी को कहते हैं। तो ऑटिज़म पेरेंटिंग बहुत टफ होती है, बहुत ज़्यादा टफ होती है, एंड इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जो इस कंडीशन को लिव करता है एज अ पेरेंट, एज अ चाइल्ड, वो ही जानते हैं कि एक्चुअली कितना टफ है, कितना हार्ट ब्रेकिंग है, कितना ड्रेनिंग है, और कितना डीमोटिवेशन होता है पूरी की पूरी जर्नी में ही, क्योंकि ये जर्नी नेवर एंडिंग है, बिकॉज ऑटिज़म इज़ अ लाइफ कंडीशन, इट इज़ नॉट अ डिज़ीज़। अगर आप रिकवरी या फिर आप उसकी कोई दवाई, कोई ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, तो वो तो अवेलेबल नहीं है मार्केट में। सिर्फ अवेलेबल है आपका प्यार, आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत और आपकी कंसिस्टेंसी, ये अवेलेबल है। एज अ पेरेंट, एज अ ग्रैंड पेरेंट, एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ सिबलिंग, एज अ रिलेटिव, एज अ फ्रेंड, जो भी हैं, प्यार, एफर्ट, मेहनत, कंसिस्टेंसी, बस यही अवेलेबल है। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी, प्यार और एक थैंकलेस जॉब की तरह इसको करने के लिए रेडी हैं, तो आई थिंक आप बहुत बहुत हेल्प कर सकते हैं अपने बच्चों की, एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं ओवरकम कर सकते हैं। तो विराज के साथ में जो थ्रू आउट हमारी 3 साल की जर्नी रही है वो बहुत सेल्फ ड्रेनिंग, बहुत इमोशनली चैलेंजिंग, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मेहनत वाली रही है। मतलब अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो शॉपिंग जाना, रेस्टोरेंट जाना, कहीं खाना खाने बाहर जा रहे हैं तो बैठ के वहाँ इंजॉय नहीं कर सकते हैं, किसी के फंक्शन में नहीं जा सकते हैं, घर पर भी खाना खा रहे हैं तो ऐसे खाना खाते हैं जैसे ब्रेक टाइम मिला है, 5 मिनट में खाना खाकर फटाफट उठना है। सो दैट वॉज द 3 ईयर्स ऑफ जर्नी दैट वी वर हैविंग। आगे भी शायद ऐसे ही चलेगी। स्कूल में भेज रहे हैं, स्कूल में उस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है, तो हमें घर पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उस तरह से मेहनत करनी पड़ती है कि जैसे हम ही एक्चुअली जो है विराज की क्लास टीचर हैं, मैं एंड विक्रांत। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एज अ पेरेंट करनी पड़ती हैं, एंड जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही शायद आप भी करते हैं। तो हर पेरेंट की जर्नी ऑलमोस्ट इन पैरामीटर्स में सेम ही होती है, और हार्ट ब्रेकिंग इसलिए होता है क्योंकि बहुत बार आप कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई आउटकम निकल के आएगा, एक पॉजिटिव आउटकम होगा इस सारे एफर्ट का, बट वो आता ही नहीं है, वो आउटकम आता ही नहीं, और ऐसा लगता है कि कभी ऐसा होगा कि हमारा बच्चा जो है ये चीज़ कर पाएगा या नहीं। तो आज मैं आपको जो ये वीडियो के थ्रू विराज के अपडेट्स बताने वाली हूँ, आई होप अगर आप भी वही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी भी देर नहीं है, आपको होप खोने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज येस थोड़ा स्लो प्रोसेस तो रहा है, थोड़ा स्लो और भी रहेगा आगे जाकर, लेकिन चीज़ें सब कुछ मैनेजेबल है, सब कुछ आ जाता है, लेकिन थोड़ा लेट। तो सबसे पहली चीज़ जो है विराज ने सीख ली है इन 3 सालों में, वो है प्रिटेंड प्ले करना। विराज को प्रिटेंड प्ले नहीं करना आता था। प्रिटेंड प्ले बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है हर बच्चे के लिए, यानी टॉयज़ के साथ कैसे खेलना है, वो बच्चे को जब आता है तो वो अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड से बाहर निकलता है, रियल टॉयज़ के साथ प्ले करता है, अपना माइंड यूज़ करता है, अपनी स्टोरी बिल्डिंग करता है, एंड उस स्टोरी बिल्डिंग की वजह से उसकी लैंग्वेज और उसकी इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। क्योंकि जो बच्चा खुद से सीखता है ना, इन्वायरमेंट से सीखता है, वो कोई भी अगर उसे सिखा रहा है तो उसकी स्पीड और जो वो अपने आप से सीख रहा है उसकी स्पीड, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो ये जो 3 साल थे इसमें प्रिटेंड प्ले सिखाने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि
बच्चों को जिनको ऑटिज्म होता है उनके लिए एक रेपिटेटिव जो है एक पैटर्न सेट होता है कि उन्हें लाइन में टॉयज लगाने या लाइन में कोई भी आइटम लगाना है, दे डोंट नो हाउ टू प्ले विद इट। तो उन्हें जो है खेल सिखाना पड़ता है, यानी किस तरह से खेलना है उस चीज़ से वो सिखाना पड़ता है। एंड वो थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि हर बार प्रिटेंड प्ले जो है चेंज हो जाता है। तो अगर आपके बेबी को अभी आप स्टार्ट करा रहे हो, समवेयर अराउंड 2 हैं आपके बेबी एंड आपको डर है कि ऑटिज्म के रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं या इवन 1.5 साल भी है उम्र, तो प्रिटेंड प्ले एक ऐसी चीज़ है जो आपके बेबी को एक अच्छा बेस लाइन देता है जिससे आपका बेबी जो है बहुत जल्दी ओवरकम करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट वाले इशू को। यानी अगर मान लीजिए उसको बोलना नहीं भी आ रहा है ना, तो एटलीस्ट उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाती है, यानी उसकी जो समझ होती है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो अच्छी हो जाती है। एंड आपका 50% जॉब आसान हो जाता है जब आपके बेबी की रिसेप्टिव लैंग्वेज अच्छी हो जाती है, यानी जब आपका बच्चा आपको समझना शुरू कर देता है, जब आपका बच्चा ये समझना शुरू करता है कि आपने उसको बोला क्या है। सेकेंड चीज़ जो विराज ने अचीव करी है इन 3 सालों में, वो है रिस्पॉन्स टू नेम। रिस्पॉन्स टू नेम अभी भी मैं आपको ये बोलूँगी कि 10 में से 8 बार ही है, 2 बार ऐसा होता है कि विराज जो है रिस्पॉन्ड नहीं करता अपने नेम को। समवेयर वो कहीं पर अपनी किसी धुन में होता है, कहीं उसको जाना है या उसका कोई एम है कि मुझे ये चीज़ करने जाना है, तब वो सुनेगा नहीं। एंड दिस ऑल्सो हैपन्स आउट ऑफ एज। एज का मतलब ये है कि अभी जो एज चल रही है ना वो थोड़ी शैतानी वाली एज चल रही है, मन मर्जी वाली एज चल रही है। तो कई बार बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं भी करते अपनी मर्जी की वजह से कि मुझे बुला के कुछ ना कुछ टास्क कराएंगे तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ, तो वो वाली चीज़ है। तो कई बार आई एम डाउटफुल कि मे बी ये रीज़न है, कई बार ये मुझे लगता है नहीं वो लॉस्ट है, वो नहीं सुन रहा है। तो एज अ पेरेंट आप मेकआउट कर सकते हो बहुत आराम से, आपको पता लग जाएगा कि आपका बच्चा जब आपने दिन में 10 बार उसे बुलाया तो 2 बार जब उसने नहीं सुना तो क्यों नहीं सुना। उसके अलावा विराज ने जो एक बहुत अच्छी चीज़ अचीव करी है वो है इमोशनल डेवलपमेंट। इन 3 सालों में हमने अपने बच्चे को इमोशनली डेवलप होते हुए देखा। इमोशनल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा कारण है विराज की ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए, क्योंकि जब बच्चा इमोशनली अटैच होता है ना चीज़ों से, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मुझसे इमोशनली अटैच है या मेरे हस्बैंड से इमोशनली अटैच है या किसी से भी, तो बच्चा एक अच्छा रिस्पॉन्स देता है आपको। यानी बच्चे का अंदर से मन करता है कि वो आपको रिस्पॉन्स नेम को रिस्पॉन्ड करेगा, आई कॉन्टैक्ट देगा, यानी वो आपके साथ कनेक्शन बिल्डिंग की कोशिश कर रहा है। और जब से मेरी डॉटर हुई है तब से विराज का मुझे ऐसा डर लगता था कि उसे इनसिक्योरिटी होगी, वो शेल में चला जाएगा या वो जो है हमसे थोड़ा दूर हो जाएगा, डिटैच करेगा अपने आप को, लेकिन उल्टा हुआ है। तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि आप में से कुछ मम्माज ने भी मुझे बोला है कि मैं इस चीज़ के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाऊं कि कैसे दोनों बच्चों को मैनेज कर रही हूं एंड कैसे विराज जो है सेटल डाउन हो रहा है देविका के साथ। बट यहां पर जैसे ही विराज की सिस्टर ने एंट्री ली है घर में और हमने विराज को जो है ना बहुत एक सिक्योर एनवायरनमेंट दिया, हमने उसको ये नहीं दिखाया है कि तुम्हारी लाइफ चेंज हुई है, हमने उसे ये दिखाया है कि हमारी लाइफ में जो आया है उसकी वजह से तुम्हारी लाइफ चेंज हुई है, लेकिन बहुत अच्छे के लिए हुई है। तो हमने सारे ही गुड फैक्टर्स उसके सामने रख दिए हैं। तो बॉन्डिंग करवाना और देविका के साथ जो है कोऑर्डिनेट करवाना, यानी उसके पास लिटाना, उससे बातें करवाना, जब प्ले टाइम है तो देविका और विराज दोनों के साथ ही मैं इकट्ठे खेलती हूँ, विक्रांत भी ऐसे ही करते हैं। तो एक जेलेसी कंटेंट तो आता है बच्चों के अंदर, एक होता है कि जेलेसी वाली फीलिंग आएगी कि सिबलिंग राइवलरी तो होती ही है, बट उस जेलेसी की वजह से हमें ये पता चलता है कि एक इमोशन डेवलप हो रहा है। अगर हम इस इमोशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करें तो हम बच्चे को अपने साथ अटैच करवा सकते हैं बहुत अच्छे से एंड बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं। तो हम कुछ कुछ ऐसी ही चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड दे आर वर्किंग आउट फाइन। तो इमोशनल डेवलपमेंट जो है विराज के अंदर बहुत अच्छा हुआ है। और आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ने रील्स भी देखी होंगी विराज की स्माइल में, विराज के रिएक्शंस में, एक्सप्रेशन, जिस तरह से अफेक्शन शो करता है विराज, जिस तरह से रिस्पॉन्ड करता है मुझे, विक्रांत को, देविका के लिए, या ओवरऑल भी वो किस तरह से है, वो सारा ही जो है आपको इंस्टाग्राम की रील्स में भी दिखता होगा। इनफैक्ट मॉमी इन द हाउस जो मेरा दूसरा चैनल है वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि जो भी मैं ब्लॉग्स पोस्ट कर रही हूँ उसमें विराज का जो भी इन्वॉल्वमेंट मैं शोकेस करती हूँ वहाँ पर विराज जो है कुछ एक्सप्रेशन ज़रूर देता है एंड एक्सप्रेसिव है। तो इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, उसकी वजह से विराज ने बातों को सुनना स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड लिसनिंग टू अस, यानी कि एक रिजिडिटी जो थी ना उसके अंदर कि मुझे सुननी नहीं है बात या मुझे सिर्फ अपनी मनमर्जी करनी है, वो चीज़ जो है वो ओवरकम हुई है। एंड इमोशनल डेवलपमेंट बहुत स्लोली, बहुत ग्रेजुअली आता है, हमसे वो उतना इमोशनली अटैच नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो है हमने उसके जब वेज से उसके साथ प्ले करना स्टार्ट किया, उसकी वे से उसको पढ़ाना शुरू करा, उसकी फेवरेट चीज़ें पिक कर चीज़ों को लर्निंग में बदलना शुरू करा,
तो वो चीज़ें जो हैं उसको इमोशनली डेवलप करती गई हमारे प्रति, एंड इसी वजह से आज वो जो है हमारे साथ, एंड इनफैक्ट जो हमारे घर में गेस्ट आते हैं, कोई भी आते हैं, वो बहुत अफेक्शन शो करता है एंड ही नोज़ हाउ टू ग्रीट पीपल. उसको पता है कि घर में कोई आया है तो आई डोंट हैव टू बिहेव बैडली. राइटिंग जो है बहुत बड़ा चैलेंज थी. मतलब विराज ने पेंसिल उठा के देखी ही नहीं है. 3 साल 10 महीने की उम्र में तो डायग्नोसिस मिला था, उससे पहले से ही, यानी जब से शायद 2 साल से बच्चा जो है राइटिंग स्टार्ट करता है या पेंसिल होल्डिंग करके स्क्रिबलिंग शुरू करता है, या 2.5 साल कह लीजिए मैक्सिमम, वहाँ से उस एज से लेकर 5 साल 3 महीने तक विराज ने पेंसिल नहीं उठाई थी. मुझे अभी भी याद है विराज की लास्ट ईयर गर्मी की छुट्टियाँ पड़ी थी, तब बहुत बहुत मेहनत करने के बाद में विराज ने पेंसिल से लिखना शुरू किया. मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था कि राइटिंग कैसे सिखा सकते हैं आप, तो वो वीडियो में जो है वो प्रैक्टिस मैंने शेयर करी थी. तो वो प्रैक्टिस हमने इतनी करी एंड विराज राइटिंग कर लेता है, विराज अच्छे से लिख सकता है. कॉन्सेप्ट लर्निंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं. पहले कॉन्सेप्ट नहीं समझ आते थे, अब कॉन्सेप्ट समझ आने लग गए हैं. फ़ोन के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाना एंड एक स्क्रीन से कॉन्सेप्ट सीखना एंड रियल लाइफ में कॉन्सेप्ट सीखना बहुत डिफरेंट चीज़ें होती है. तो विराज की फ़ोन से सीखने की क्षमता बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर हम रियल टाइम रियल आइटम से उसे कुछ सिखा रहे हैं तो वो बहुत पुअर था. बट वो चीज़ जो है पिछले 3 सालों में बहुत चेंज हुई है एंड स्पेशली लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा चेंज हो गया एंड बहुत अच्छे से जो है विराज अब रियल आइटम्स के साथ कनेक्ट कर सकता है. विराज इंडिपेंडेंटली वॉशरूम जा सकता है, बट वो खुद वॉशरूम जाता है, खुद सुसु करके आता है, फ्लश करके आता है एंड टोटली इंडिपेंडेंट है सुसु के लिए. हमें बोलना नहीं पड़ता, अपने आप जाता है. मैंने सुसु ट्रेनिंग और पॉटी ट्रेनिंग दोनों पे ही वीडियोस अपलोड करे हैं वॉशरूम हैबिट्स में, तो आप वहाँ एक्सपीरियंस शेयर किया था मैंने, वहाँ देख सकते हैं. नहाने के लिए, सेल्फ केयर के लिए विराज इंडिपेंडेंट है. विराज कैन वेयर अ लोअर बट विराज कैन नॉट वेयर अ टी शर्ट. तो टी शर्ट अभी हम उसे पहनना सिखा रहे हैं. दैट मीन्स हमें उसकी नेक जो है वो तो उसके गले में डालनी पड़ती है, स्लीव्स वो अपने आप डाल लेता है, और वैसे ही लोअर जो है वो अपने आप डाल सकता है. तो लोअर में वो इंडिपेंडेंट है. शूज़ पहनने में भी इंडिपेंडेंट है, तो हमें शूज़ के लिए उसे सिर्फ बोलना पड़ता है कि शूज़ पहन लो एंड वो जाकर अपने शूज़ पहन लेता है. लेसेस टाई नहीं करनी आती, डेफिनेटली इट्स अ टफ थिंग, तो वो नहीं करना आता. बट वेलक्रो वाले वो जो सैंडल्स होते हैं वो हैं, तो ही कैन वेयर दोज. नॉर्मल शूज़ भी ही कैन वेयर, सो उसके लिए वो है. क्यूज़ समझने लगा है, यानी कि इन 3 सालों में उसको बहुत अच्छे से पता है कौन घर में आया है, किस लिए आया है, क्या लेने आया है, क्या डिलीवर हो रहा है. अगर कोई चीज़ डिलीवर हो रही है तो उसकी एंग्जाइटी या एक्साइटमेंट होती है कि वो देखे कि पैकेट में क्या है, जैसे हर बच्चे की होती है. कोई टैंट्रम नहीं, कोई टेम्पर नहीं. सो ये चीज़ है. विराज के मेल्टडाउन्स, विराज की टीथ ग्राइंडिंग वो बिल्कुल स्टॉप हो गई है. बहुत ही रेयर है, बहुत रेयर. मतलब आई थिंक शायद 2 या 3 महीने में, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग वेदर कई बार हम नोटिस कर लेते हैं कि ऐसा हो रहा है, बट बहुत ही कम. मतलब आई वुड से कि आउट ऑफ 10 आई थिंक शायद 0.5 बोलूँगी मैं. विराज की सिटिंग टॉलरेंस अप्रोप्रिएट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, बट इट इज़ गुड इन कंपैरिजन टू व्हाट इट वाज 3 years back. यानी 3 साल पहले जो सिटिंग टॉलरेंस थी वो बिल्कुल ज़ीरो थी. आज की डेट में अगर आप मुझे रेट करने को बोलोगे तो 5 या 6 की रेटिंग दूंगी उसकी सिटिंग टॉलरेंस को, कि जब तक उसके पास होमवर्क है, जब तक वो काम कर रहा है, तब तक वो बैठेगा, उसके बाद वो उठ जाता है. अगर मैं उसे ये बोल रही हूँ कि अभी बैठो, वेट करो, तो वो अभी उतना पेशेंस जो है डेवलप नहीं हुआ. ही हैज़ टू डू समथिंग इफ़ ही इज़ सिटिंग. आइडल सिटिंग नहीं है, बहुत ही कम है और बहुत कम टाइम के लिए है. खाना खाने के लिए विराज इंडिपेंडेंट है. इनफैक्ट अब हमने उसे सर्व करना भी सिखाया अपनी प्लेट को, तो वो सर्व करने में भी जो है अब काफ़ी इंडिपेंडेंट होता जा रहा है. दैट मीन्स अपनी प्लेट निकालना, अपनी कटोरी निकालना, चम्मच लेना. राइस बने हैं तो हम कोशिश करते हैं कि राइस का बाउल उसके सामने रखें और उसको बोले अपनी प्लेट में अपने आप डालो, या दाल है तो दाल के लिए भी बोलते हैं. चपाती खाना, राइस खाना एंड और भी डिफरेंट आइटम्स जो हैं, अगर उसे कोई जंक फूड बहुत पसंद है तो हम उसे एक्सपीरियंस करवा रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको ये पिज़्ज़ा खाना है तो चाहे उसका छोटा सा एक बाइट है, बट हम उसको एक्सपीरियंस करवाते हैं कि आप ये चीज़ें खा सकते हैं. रेगुलर नहीं रखते क्योंकि क्लीन ईटिंग जितनी हो बच्चों के लिए उतना अच्छा होता है, बट हाँ कभी कभी, बहुत कम, बट कभी कभी ज़रूर ये अलाउ करते हैं कि विराज जो है अपनी मनपसंद चीज़ें खाएँ, तो वहाँ पर हम ये चीज़ फॉलो करते हैं. इसी वजह से जो है हमने इंडिपेंडेंट सिटिंग एंड इंडिपेंडेंट ईटिंग इसमें जो है हम अच्छे से करवा पाए, क्योंकि हमने स्टार्ट ही ऐसे किया था. मैं इस पर स्पेसिफिक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि ईटिंग हैबिट्स पे मुझे एक वीडियो बनाना है. वेदर इट्स आउटडोर्स, वेदर इट्स इनडोर, स्कूल है, कहीं पर भी है, अगर हम बाहर शॉपिंग के लिए गए हैं, मॉल में बैठे हैं, कहीं पर भी हम बैठे हैं या घर पर भी हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली अपना खाना खा सकता है. उसे अवेयरनेस है कि उसके बैग में पानी कहाँ है, लंच बॉक्स कहाँ है, उसे पानी पीने के लिए भी इज़ इंडिपेंडेंट.
विराज की रिसेप्टिव लैंग्वेज जो है वो काफ़ी इम्प्रूवड है। वो एक इंस्ट्रक्शन, एक लाइन का जो इंस्ट्रक्शन होता है उसमें अगर आपने उसे दो या तीन चीज़ें बोली हैं करने के लिए, तो वो दो से तीन चीज़ें कर लेता है। दैट मीन्स अगर मैंने उसे बोला है कि फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर मैंने उसको बोला है कि विराज देविका के कॉट में से ब्लैंकेट लेकर आओ, ब्लैंकेट देविका को उड़ा दो, तो वो दो से तीन चीज़ें जो है कर लेता है। यानी ब्लैंकेट को कॉट में से निकालो, देविका को उड़ाओ। तो ये चीज़, ये आइडेंटिफाई करना कि ब्लैंकेट कहाँ है, कॉट में पड़ा है, ये चीज़ देना। उसकी स्लीपिंग हैबिट्स ट्रिमेंडसली इंप्रूव हुई हैं, ट्रिमेंडसली। एंड मैंने स्लीपिंग इश्यूज़ पे एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो उसमें एक्सपीरियंस शेयर्ड है, क्या प्रैक्टिस करी है, वो सब कुछ उसमें शेयर्ड है। तो स्लीपिंग में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस, क्योंकि स्लीपिंग वॉज अ वेरी चैलेंजिंग पार्ट इन आवर लाइफ्स। क्योंकि रात को वो सोता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं सोता था, और हर दो घंटे में या तो उसको उठ जाना होता था, या फिर एक स्ट्रेच में 3 से 4 घंटे ज़्यादा वो नहीं सोता था। एंड दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस बींग वर्किंग पेरेंट्स, क्योंकि हम वर्किंग थे और ऑफिस जाना होता था। अब तो वर्क फ्रॉम होम की कृपा है, तो इसीलिए घर पर हैं, तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बट जब हमें ऑफिस जाना होता था, तब हमारे लिए वो बहुत चैलेंजिंग होता था। देर इज़ ऑल्सो वन मोर अपडेट कि विराज की स्कूलिंग से रिलेटेड आपने मुझसे पूछा है, तो मैं एक ब्लॉग शेयर करूँगी आपसे। कोशिश करूँगी कि मैं कुछ कुछ शूट कर सकूँ, जिस भी स्कूल में हम जा रहे हैं वहाँ का रिव्यू आपको दे सकूँ, या बता सकूँ एटलीस्ट कि हम स्कूल्स में क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर रहे हैं। बट अगर मैं स्कूलिंग की बात करूँ, तो विराज की स्कूलिंग का एक अपडेट है कि हम प्लान कर रहे हैं ऐसा कि हम उसका स्कूल जो है, या तो हम ऐसा स्कूल चूज़ करें जहाँ स्पेशल एजुकेटर हो, या एटलीस्ट क्लास में रेशियो कम हो बच्चों का। तो अभी हम उस जर्नी में जो है एंटर करेंगे, एंड हम चेक करेंगे कि क्या चीज़ें हम करने वाले हैं न्यू स्कूलिंग के लिए। बट येस, वी आर प्लानिंग कि हम उसको जो है स्पेशल एजुकेटर के अंडर डालें, क्योंकि आगे आने वाली पढ़ाई थोड़ी टफ होती जाएगी, एंड ही विल नीड असिस्टेंस इन क्लास, स्पेशल अटेंशन उसे चाहिए होगी। तो वो चीज़ एक जो है हम कर रहे हैं। तो ये 3 सालों में हमने ये लर्निंग ली है कि बच्चे को जो है स्पेशल एजुकेटर की रिक्वायरमेंट होती है, एंड आपको स्कूल हमेशा ऐसा ही चूज़ करना चाहिए कि जिसमें आपका बेबी जो है इग्नोर ना हो जाए पूरी क्लास के बीच में। अगर बात करें विराज की लैंग्वेज स्किल्स के बारे में, तो जो वर्बल लैंग्वेज है वो अभी थोड़ी कम है, बट बहुत सारी नीड बेस्ड कमांड्स, यानी कि पानी दे दो, खाना दे दो, या फिर बहुत छोटी चीज़ें जो नीड बेस्ड होती हैं, 2 वर्ड या 3 वर्ड मैक्सिमम, वो विराज अपने आप से बोल सकता है, जो कि उसकी नीड बेस्ड है स्पेसिफिकली, इंटरैक्शन नहीं, नीड बेस्ड। बट क्वेश्चन का आंसर देना वो अभी विराज को उतनी अच्छी तरीके से नहीं आता है। ये क्या है ऑब्जेक्ट दिखाकर अगर मैं पूछूँ तो वो आंसर कर देगा। अकेडमिक्स, यानी कि अगर मैं बुक्स की बात करूँ या स्कूल के आइटम्स के बारे में बात करूँ, वो पूछूँ तो बता देगा, बट अदरवाइज इंटरेक्शन अभी नहीं आई है। क्वेश्चन के आंसर देना अभी उतनी अच्छी तरह से नहीं आया, अनटिल एंड अनलेस कोई विजुअल स्टिमुलेशन इन्वॉल्वड है। अगर बात करूँ कि वो कितना रिपीट कर सकता है, तो वो प्रॉपरली रिपीट कर सकता है 5 to 6 word कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी रिपीट कर लेता है, यानी कि उसकी स्पीच बहुत क्लियर है। तो अगर आप उससे कुछ रिपीट करवाने के लिए बोलेंगे या कुछ रिपीट करने के लिए बोलेंगे, तो बहुत अच्छे से उस पूरी लाइन को रिपीट कर देगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लाइन्स का मतलब उसको नहीं समझ में आता है, कुछ लाइन्स वो कंपेल होकर बोल देता है, क्योंकि उसे लगता है कोई मोटिवेशन इन्वॉल्व है या उसे कोई आइटम मिलेगा, इसलिए वो रिपीट कर देता है। एक चीज़ जो उसके सिबलिंग के आने के बाद से बहुत अच्छी हमें और बहुत पॉजिटिव हमें दिख रही है, वो ये कि उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ रहा है। एक बच्चे के रूप में उसको सामने एक छोटा बेबी दिखता है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट अच्छा हो रहा है, वो चाहता है इंटरेक्ट करना, वो चाहता है उसके पास जाना। एंड इन फैक्ट एट टाइम्स अगर हम उसके साथ कोई चीज़ कर रहे हैं, तो वो चाहता है कि हम उसके साथ, विराज के साथ भी सेम वही चीज़ करें, एंड हम उसी तरीके से उसके साथ भी प्ले करें। तो ये एक अच्छी चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी होगी और बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे उसकी लाइफ में हम स्टार्ट करेंगे, तो मे बी हो सकता है वो विराज के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित हो, एंड वर्बली एक्सप्रेसिव होने में हो सकता है मेरी बेटी जो है विराज की हेल्प करे। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट सी सब कुछ कैसा जाता है, क्योंकि अभी भी बहुत लंबी जर्नी है, सब कुछ आपसे शेयर करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो ये थे विराज के अभी तक के लाइफ अपडेट। आई होप जो भी क्वेश्चंस आपके विराज से रिलेटेड थे उनका मैंने आंसर दिया होगा। आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि ऐसे कौन से और टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं कि मैं अपने व्यूज़, अपनी पेरेंटिंग व्यूज़ रखूं, या फिर हमने कैसे काम किया है विराज के साथ। हो सकता है ऐसे वीडियोज़ ऑलरेडी पोस्टेड हों, बट ऐसा भी हो सकता है कि मैंने अभी तक वो एरिया कवर अप नहीं किया है। तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स कर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी मिलते हैं।